हेलो फ्रेंड्स, रतलामी जायके में आपका वेलकम है। आज मैं आपके साथ हेल्दी नाश्ते की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आप इसे ब्रेकफास्ट या फिर व्रत में भी बनाकर खा सकते हैं। आपने साबूदाने की खिचड़ी तो खाई है, लेकिन खिचड़ी खाने के बाद घबराहट और भारीपन लगता है। लेकिन आप इस तरह से बनाओगे तो आप इसे हर बार बनाओगे, और वो भी बिना साबूदाने भिगोए और सिर्फ 15 मिनट में। दो बड़े चम्मच तेल डालेंगे। जैसे ही तेल गर्म होगा आधा चम्मच जीरा डालेंगे, 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 मीडियम साइज का कच्चा बारीक कटा हुआ आलू डालेंगे और 2 बड़े चम्मच मूंगफली के दाने। दानों को मैंने हल्का सा रोस्ट करके और मिक्सर में क्रश कर लिया था। इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और अपने टेस्ट के अनुसार नमक डालेंगे। आलू जल्दी से पक जाए उसके लिए हम इसे ढक देंगे। एक बार हम आलू चेक कर लेते हैं और देखिए, ये बहुत अच्छे से पक चुके हैं आलू। अब इसमें 1 मीडियम साइज का कटा हुआ टमाटर डालेंगे। अगर आप टमाटर व्रत में नहीं खाते हैं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर मिक्स करेंगे और 500 ml के करीब हम इसमें पानी डालेंगे। एक बार फिर हम इसे ढक देते हैं ताकि पानी में जल्दी से उबाली आ जाए। पानी में बहुत अच्छे से उबाली आ गई है। अब हम इसमें 1 कप साबूदाना डालेंगे। ये मैंने एक बार साबूदाने को धो लिया है, इसे भिगोना नहीं है। बस एक बार आप पानी से धो लें और डाल दें। इसे हम खट्टा मीठा बनाएंगे, तो इसके लिए हम 2 बड़े चम्मच इसमें शक्कर डालेंगे। देखिए, साबूदाने धीरे धीरे फूलने लगे हैं। खटाई के लिए हम इसमें 1 नींबू का रस डाल देंगे। साबूदाने जल्दी से पकाने के लिए हम इसे ढक देंगे। एक बार हम इसे चेक कर लेते हैं और देखिए, साबूदाने बहुत अच्छे से पक चुके हैं। अब हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। बारीक कटा हुआ धनिया डालेंगे इसमें और देखिए कितनी जल्दी से हमारी लिक्विड वाली खिचड़ी तैयार हो गई है। इसका टेस्ट बहुत अच्छा है और ये बहुत जल्दी डाइजेस्ट भी हो जाती है, तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें।